देखिए कितना बढ़िया भाई भूंज रहा है, ये मुलायम दाने का, ये मोटे दाने वाला है। अभी पहले इसको जो है भून लेते हैं, फिर लगाते हैं नमक नींबू। भाई भुट्टा भूंज के हमारा ये देखिए तैयार हो गया है, एक नंबर का जो है भुजा है बिल्कुल, और दो भुट्टा भूंज रहा है खाना वाइज। ये देखिए इनका भी अधूरा है, बहुत बढ़िया जो है भुजा है। ऐसे मुलायम दाने वाले भुट्टा खाने में बहुत मज़ा आता है। इधर की तरफ कीमा जो है भूंज रहा है, ये देखिए भुजाई पे कीमा, और उसको बहुत देर तक बहुत अच्छी तरह से जो है भूंजा जाएगा। हेलो दोस्तों, आज नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज आया है माल कीमा, आज है संडे, संडे के दिन जो है बढ़िया रेसिपी का जो है निभा रहता है। चलिए सबसे पहले इसको निकालते हैं और दिखाते हैं माल आपको, बिल्कुल ताजा ताजा माल लाए बिल्कुल। इसमें आए छोटे भाई से कीमा है भाई, ये बिल्कुल जो है रूखा है, ये देखिए एकदम रूखा कीमा है भैंसे का, एकदम रूखा कुटवा के मोटा कुटवा के लाए हैं, पूड़ी बनेगी, पूड़ी और कीमा एकदम जो है हड्डी देखिए, मलाई जिसे मलाई हड्डी एकदम चूसने वाली हड्डी है, ये बहुत मज़ेदार हड्डी होती है चूसने वाली। कीमा आप देखिए, देख के मुंह में पानी आ जाएगा भाई आपके। 1 किलो है बिल्कुल रूखा कीमा, 1 किलो कीमा रूखा। बाद में देखिए चुर्री, गरम गरम चुर्री मिल रही थी, तला जाता है इसको, चुर्री बोलते हैं, चर्बी को तल के एकदम सुखा के बनाया जाता है, बहुत टेस्टी आती है। देखिए कितनी मुलायम है, नमक डाल के इसको खाया, नमक डालो, मजा आ गया भाई, क्या टेस्ट है भाई, मजा। चलने फटाफट थोड़ा तैयारी शुरू करवाते हैं, प्याज व्याज कटेगी, सौकी आदमी बैठा हुआ है, आधा किलो लेने, 3 पाव लेना चाह रहे थे, 1 किलो कहने लगा, इतना खाएगा कम से कम, ये इतना 1 किलो क्यों लिया है, खा के ना कहा 1 किलो क्यों लिया है, खा के चले 1 किलो क्यों लिया है, सौकी आदमी है इसलिए 1 किलो ले लिया। इसमें थोड़ा काला नमक डालते हैं, स्वाद बहुत बढ़िया आता है काला नमक का। चलिए फिर हाथ धो रहे बेटे, चलो जी तैयारी शुरू हो गया, प्याज इधर लहसुन का सब इंतजाम होगा, कटेगा फिर मसाला ग्रेवी बनेगी, फिर पूड़ी बनेगी, फिर रात में हम आपको दिखाएंगे। आलू लाए हो? हाँ आलू लाना हम भूल गए हैं, अभी आलू मंगवाते हैं पूड़ी के लिए। अरे देखिए जमन तो बहुत शौकीन हो गया, ये भी कीमा गोश्त आजकल बहुत चपक के खा रहा है भाई, इसकी भी जो है सेहत बनवाना है तो इसके जैसी जैसे देखिए, ये इसकी ऐसा पेट करवाना है इसका भी, पेट करवाओ, 1 किलो माला खाओ, जमन को भी खिलाओ चुर्री, आओ जमन खाओ चुर्री, खाओ 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 खा लो खा लो। देखिए कितनी जल्दी जल्दी चुटकी चल रही चुर्री पे, तो थोड़ा सा नमक निकाल के ऊपर से डालते हैं, क्या देखिए ये होता है चुर्री का माल ओरिजिनल, ये बिल्कुल जो है मुलायम चर्बीदार, थोड़ा सा नमक खिला देते हैं। और ले लो और लो, मुलायम मुलायम ले लो, और कम थोड़ा, हाँ बाहर चलिए। प्याज व्याज की तो कटिंग हो चुकी है, इसमें अदरक लहसुन काली मिर्च जीरा ये सब जो है मिक्सर में जो है पीस लिया जाएगा, अब ये सब तैयार हो जाए उसके बाद जितनी आ गया कार्यक्रम शुरू करें, प्याज लाल वाल हो अदरक लहसुन सब जो है पीस के इसमें जो है रोस्ट किया जाए फिर तेल डाल के। बहुत दिन भी हो गया था भाई आलू की पूड़ी और कीमा बनाए हुए घर में, और बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे
कि जो है बारिश का मौसम आया तो फिर आलू की पूड़ी और कीमा साथ में जो है बनाया जाए, बहुत बढ़िया आता है भाई बारिश में, मज़ा आता है खाने में पूड़ी और कीमा। जमन गया हुआ है आलू लेने के लिए, आलू आ जाए तो उसको उबाल के जो है फिर पूड़ी की तैयारी हो, पूड़ी बनाया जाए फिर उसमें। थोड़ा ही मोटी पूड़ी होती है, साइज थोड़ा इसका मोटा होता है, बड़ी होती है साइज में। अभी बनेगी जो हम आपको दिखाएंगे कैसे आलू भर के पूड़ी बनाया जाता है। बारिश में ये सब खाने का मज़ा ही कुछ और होता है भाई, ये सब ज़्यादातर बारिश में ही बनता है। ऐसे जो है गर्मी ज़्यादा रहती है तो मज़ा नहीं आता खाने में। बारिश के मौसम में बनाइए, कभी जो है आम के साथ खाइए पूड़ी, कभी कीमे के साथ, बहुत मज़ा आता है। और भैंसे का कीमा रहता है तब तो फिर क्या बात है बात। चिकन का भी कीमा बना सकते हैं, मटन का कीमा बना सकते हैं, लेकिन जो है जो भैंसे का जो है बड़ा जानवर होता है ना, सब लाल गोश रहता है। अब मोटा मोटा कीमा कुटवाइए, थोड़ा सा इतना मोटा मोटा कीमा, अब तब पूड़ी के साथ खाइए, देखिए कितना मज़ा आता है खाने में। मटन वटन तो है अपनी जगह, ऐसी बात नहीं है। चिकन भी जो है चिकन का भी कीमा बनता है। मुर्गे का कीमा हम लोग बहुत बनाते थे पहले इधर करके, काफ़ी टाइम से नहीं बना, सोच रहे बनाने के लिए। अब कोई टाइम जो है चिकन का कीमा लाएंगे तो बनाएंगे। अम्मा जा रही है, सब तैयारी जो है शुरू करने वाली हैं, सब जो है बन के तैयार होगा फिर आपको दिखाते हैं। पूड़ी के लिए सबसे पहले आटा जो है गूंद लिया जाएगा, आटा गूंद के रख दिया जाएगा। उसके बाद जो है प्याज व्याज लाल कटने की जो है तैयारी शुरू होगी। देखिए इसमें थोड़ा घी भी डाला जा रहा, पूड़ी बनेगी थोड़ा मुलायम रहना चाहिए ना, इसलिए थोड़ा घी भी डाल दिया जाता है इसमें। ले आओ कुर्ता पजामा, सब सिल गया पठानी है। ये देखिए भाई अब्बा ले आए हैं कुर्ता पजामा का जो दिए थे कपड़ा पठानी का सिलने का, देखिए पूरा सिल गया है। चार कलर है इसमें, चार कलर हाँ, एक कलर ये है, दूसरा वाइट, और तीसरा ये देखिए ये कलर है, और चौथा ये कलर है। ये देखिए बहुत बढ़िया कलर है, ये देखिए पहन के ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा है कलर तो, बहुत अच्छा अच्छा है इसमें, और सिला भी बहुत अच्छा है देखने में लग रहा है। इधर जमन भी आ गया सब सामान लेके, यह देखिए कुर्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, पठानी सिला है। और सब क्या क्या सामान लेके आया, चावल लेके आया है, नमक लाया है, और ये सरसों का तेल लेकर आया है, दो फूल, अब दो फूल है या तीन फूल, अपने को जो है कीमा और पूड़ी खाना है रात में। आलू अभी शायद नहीं लाया, लग रहा है मिला नहीं आलू, अभी जाएगा फिर से लेकर आएगा। पैंट सिली है ना ये, हाँ ये पैंट की तरह है। यह देखिए अब बस इनकी जो है वाइट कराना है दाढ़ी, बिल्कुल प्योर वाइट कराना है, एकदम मेंटेन होके जाएंगे इलाहाबाद। सिलाई भी बहुत अच्छी हुई है, फिटिंग भी बहुत बढ़िया हुई है, साइड से देखें बढ़िया फिटिंग हुई है, एक नंबर की फिटिंग आई है। टेलर अच्छा है सिलने वाला, अच्छे टेलर से सिला है, फोटो खिंचवाओ, बढ़िया सिला है। स्टेटस मारो फोटो, अभी फोटो खींच के स्टेटस पे लगा दे रहे हैं, अच्छे अच्छे फोटो। चलो आओ अब्बा की फ़ोटो खींच दे रहा स्टेटस पे लगाने के लिए। हाँ बाल बाल सही कर लो। ये देखिए दूसरा वाला ये चेक कर रहे हैं, वाइट वाला, बल्कि वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वाइट कलर की बात ही अलग रही थी, अच्छा लग रहा वाइट कलर। आलू हो रहा है तैयार पूड़ी में भरने के लिए, इसमें बहुत सारा मसाला डाला गया है, जीरा, काली मिर्च, धनिया। देखिए इस तरह से आलू तैयार होता है पूड़ी का, जिस समय आलू की पूड़ी बन के तैयार होगी एक नंबर की भाई। आटा जो है भी तैयार हैगा, बना के इसमें भरा जाएगा। इसमें मटर भी डालते हैं, कुछ लोग कूच के मटर भी डाल देते हैं छोटी छोटी करके। अभी बनी है चाय, थोड़ी चाय पियेंगे, और चाय थोड़ी सी चाय पिला देंगे। इधर की तरफ कीमा जो है भूंज रहा है, ये देखिए भूंजाई पे है कीमा, और उसको बहुत देर तक बहुत अच्छी तरह से जो है भूंजा जाएगा। अभी तो कच्चा है, अभी भूंजा नहीं है, बहुत पानी है अभी इसके अंदर। जैसे जैसे ये भूंजेगा पानी कम होगा, और वैसे वैसे जो है इसका असली जो है मसाले का जो टेस्ट है उभर के ऊपर आएगा भूंजने के बाद। देखिए अभी तो कच्चा कच्चा सब दिख रहा है बिल्कुल,
चलिए इसको हम भूलने देते हैं। देखिए सब हड्डी, ये देखिए सब हड्डी वाला जो पीस था इसमें हल्का हल्का गोश्त भी लगा हुआ। अब इसको चलते हैं हम धीरे धीरे भूनने देते हैं, इसको ढाक देते हैं हम। ये हल्की आँच पे भूनता रहेगा, आँच बिल्कुल धीरे करके भून रहेगा। चलिए भाई खाना बन के तैयार हो गया, जा रहे खाने के लिए। देखिए हमारी पूड़ी, देखिए ये देखिए कितनी मुलायम पूड़ी बनी हुई है, एक नंबर की। ये देखिए बिल्कुल मुलायम पूड़ी है। आप बात कर रहे हैं सामान से कॉल पे, वीडियो कॉल सऊदी पे। ये देखिए ये इतना लिया हमने कीमा, थोड़ा कीमा और लेते हैं, बातचीत करेंगे, कीमे की क्वांटिटी बढ़ाते हैं। ये देखिए कायदे से अंदर में से बात कर लेते हैं फुर्सत से। पतली वाली हड्डी 50 रुपये हम दे रहे हैं, वो मोटी वाली हड्डी थी और लोग भी थे, उन लोगों ने खा लिया था। आज चावल जो है भाई कैंसिल हो गया, यहाँ मोटा कीमा जो है हमने कुटवाया था, मोटा मोटा कीमा है। चावल कैंसिल कर दिया, पूड़ी के साथ चावल फिर जो है नहीं बना बनता माया। बहुत टेस्टी बना, पूड़ी भी बहुत बढ़िया बनी है। चलिए दोस्तों फिर खाना खा लें। दोस्तों आज है मंडे और आज जो है छुट्टी कर लिया था, गए थे शाहनवाज का जो है आधार अपडेट कराने एड्रेस। और ये देखिए लेकर आए भुट्टा, बहुत बढ़िया भुट्टा मिल रहा था बाज़ार में, तो हमने कहा ले लें। ये देखिए ये बड़े दाने का भुट्टा है, कितने बड़े बड़े दाने लगे हैं, और ये हैं छोटे दाने के भुट्टे। ये देखिए अभी इसको जो है गैस पे जो है भूनेंगे, नमक लगा कर, काला नमक और नींबू लगाकर जो है खाएंगे, बहुत टेस्टी आता है भाई भुट्टा। अब ये काम हो गया इनका, आधार अपडेट करा दिया एड्रेस। और ये लो अपना पैन कार्ड, ये इनका पैन कार्ड। मुलायम दाने वाला पहले भूनते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले जो है ये वाला भूनते हैं, मुलायम दाने का है, और एक इसके साथ जो है मोटे दाने वाला है, जो कि ये है मोटे दाने का है। बहुत फ़ायदा होता है भुट्टा खाने से, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये भुट्टा। देखिए कितना बढ़िया भाई भूंज रहा है, ये मुलायम दाने का, ये मोटे दाने वाला है। अभी पहले इसको जो है भून लेते हैं, फिर लगाते हैं नमक नींबू। एक काम कर धो दे पहले भाई, भुट्टा भूंज के हमारा ये देखिए तैयार हो गया है, एक नंबर का जो है भुजा है बिल्कुल। अब दो भुट्टा भूंज रहा है शाहनवाज, ये देखिए इनका भी अधूरा है, अभी भूंजना बाकी है, अंदर से जो है पूरी तरह भूंजना नहीं हमारा भुट्टा। ये देखिए एक नंबर का भुजा है बिल्कुल अच्छे से, अब चल रहा है। नींबू लगाते हैं, नमक लगाते हैं इसमें, एकदम मुलायम दाना है भाई, बहुत बढ़िया जो है भुजा है। ऐसे मुलायम दाने वाले भुट्टा खाने में बहुत मज़ा आता है, मज़ा आ गया। और ये है हमारा मोटे दाने का, एक बाइट लेते हैं मोटे दाने वाले की। पूरा भी बहुत अच्छा पूरा तोड़ देना, यहाँ से कट कर देना झूठा का, वो थोड़ी है, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से ऐसे तोड़ दो, तोड़ दो यहाँ से, थोड़ा नमक लगा लो। एक भुट्टा अम्मा खाएंगी, एक शाहनवाज, एक जमन का है। आज भी भुट्टा पार्टी हो गई, भुट्टा पार्टी बोलते हैं इसको। तो हो गए भाई भुट्टा पार्टी, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।